हाय एवरीवन, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं डिजिलाइज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्फाबेट बी से स्टार्ट होने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी है, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट सी से स्टार्ट होने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जिसको आप यूज कर सकते हैं आपके बिजनेस में। तो पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कॉल टू एक्शन, जिसको CTA भी कहते हैं। ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसको तब यूज कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर कोई स्पेसिफिक एक्शन ले आपकी वेबसाइट पर। ये एक्शन हेल्प करता है आपके लीड्स को सेल्स फनल में एंटर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब भी कोई वेबसाइट सर्च की होगी, उसके अंदर आपको कॉल टू एक्शन बटन जैसे ज्वाइन नाउ, डाउनलोड नाउ, एक्सप्लोर अस, साइन अप, सब्सक्राइब, ट्राई फ्री, गेट स्टार्टेड, लर्न मोर, ज्वाइन अस एक्सेट्रा जैसे बटन दिखे होंगे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके पोटेंशियल कस्टमर को ये पता नहीं होता कि उनको कहां पर जाना है। तो कॉल टू एक्शन बटन से पता चलता है कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऐसा करने से आपकी कन्वर्जन रेट और भी बढ़ जाती है और वेबसाइट भी यूजर फ्रेंडली हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप तब यूज कर सकते हैं जब आपका बिजनेस किसी कॉज या फिर चैरिटी करने के मोटिव से किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करता है म्यूचुअल बेनिफिट के साथ। इसको अगर सिंपल वे में समझे तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें पब्लिक इमोशन या फिर किसी भी कॉज को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करते हैं, जिससे अल्टीमेटली कन्वर्जन रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। क्योंकि जो भी कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसके माइंड में कोई गुड कॉज होगा। एक सर्वे से पता चला है कि 87% ऑफ कंज्यूमर्स ने कहा है वे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर स्विच कर लेते हैं जब वह ब्रांड किसी गुड कॉज से जुड़ा हो। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं आपके बिजनेस में अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने कॉज मार्केटिंग की है इस जिंगल के साथ, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस कंपनी ने किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के कॉज को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये देखिए, नन्हे नन्हे उस्तादों के नन्हे नहीं तरीके, कोशिश की ये किताब से हाँ देखो कैसे सीखे। नेक्स्ट आता है सेलिब्रिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें कोई सेलिब्रिटी आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टीवी पर एड देखने के बाद जब भी वह कस्टमर शॉप पर प्रोडक्ट लेने जाता है तो उनको ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि वह प्रोडक्ट सेलिब्रिटी से ही ले रहा है। अब इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव हो जाता है, जो सारे ब्रांड्स अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप यूज करना चाहते हैं तो आपको आपके टारगेट ऑडियंस को देखते हुए ही
किसी भी सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वह कस्टमर उसी सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट करके आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट यूथ ओरिएंटेड है तो आप किसी भी यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर से कॉन्टेक्ट करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसी मार्केटिंग सीरीज में नेक्स्ट स्ट्रेटजी है क्रॉस चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसको मल्टी चैनल मार्केटिंग या फिर ओमनी चैनल मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप आपके पोटेंशियल कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं कि उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनकी नीड क्या है, वांट और डिमांड, इन सबको मॉनिटर करने के बाद डिफरेंट चैनल्स जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रिंट एड्स, पैम्पलेट्स, टीवी एड्स एक्सेट्रा के साथ एडवर्टाइज करते हैं। ये एक क्विकर और मोस्ट एफिशिएंट वे है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो इन्होंने क्रॉस चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हुए सोशल मीडिया पर प्रमोशन के साथ प्रिंट एड से भी प्रमोशन किया था और डिफरेंट टारगेट ऑडियंस से ओमनी चैनल अप्रोच के साथ कनेक्ट करके इलेक्शन जीता था। तो आप भी यूज कर सकते हैं ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट आता है क्लोज रेंज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपका बिजनेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ये स्ट्रेटेजी बेस्ट वर्क करती है जब आपका बिजनेस रेस्टोरेंट या फिर ईटेबल से रिलेटेड है। तो इसमें आप ब्लूटूथ या फिर वाईफाई की हेल्प से प्रमोशनल मैसेजेस या फिर डिस्काउंट नोटिफिकेशन भेज सकते हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर के स्मार्टफोन या फिर टैबलेट पर, जब वे आपके रेस्टोरेंट के आसपास हो तब। ये एक मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हेल्प कर सकती है आपके पोटेंशियल कस्टमर को आपके स्टोर तक लाने में। अब इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोई भी पोटेंशियल कस्टमर आपके स्टोर के पास में है? आप ये कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिजिलाइज पर। नेक्स्ट आती है कम्युनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कस्टमर को ही इन्वॉल्व करने के साथ आप मार्केटिंग कैंपेन डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपके रिपीट कस्टमर को इनवाइट करते हैं उनके आइडियाज या एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करने के लिए कि उनके लिए आपका ब्रांड का मतलब क्या है और कैसे उनको हेल्प मिलती है। तो इससे आपके कस्टमर्स उनके पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं, जिसको आप प्रिंट मीडिया, फिल्म, वीडियो या ऑडियो के मीडियम से आपके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी 80-20 रूल को भी फॉलो करती है, जिसमें आपके 20% ब्रांड कस्टमर्स आपकी 80% सेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप भी यूज कर सकते हैं ये कम्युनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट है तो आप रिपीट कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स भी आपकी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, जो अट्रैक्ट करेंगे आपके नए कस्टमर को रेगुलर कस्टमर बनने में। चलिए, तो नेक्स्ट आती है कम्युनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर पर ज्यादा फोकस करती है, ना कि नए कस्टमर्स एक्वायर करने पर, क्योंकि पुराने कस्टमर्स को लॉयल बनाए रखना ज्यादा इजी होता है अगर कंपेयर करें नए कस्टमर को एक्वायर करने से। और इसीलिए कम्युनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए, जिससे वे एग्जिस्टिंग कस्टमर से लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon Prime, ये अपने कस्टमर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, बट जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं प्राइम मेंबरशिप वाले, उनका और भी अच्छे से ध्यान रखते हैं, जिससे जब भी Amazon की कोई सेल स्टार्ट होने वाली होती है तो प्राइम मेंबर्स के लिए वह सेल एक दिन या दो दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह आप भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करके एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, ताकि आपका कस्टमर बेस कम नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये एक मेथड है जो रिपोजिशन करता है किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी को एक स्मॉल
प्रॉफिटेबल या फिर नीश ओरिएंटेड मार्केट सेगमेंट में, जिसको दूसरी कंपनीज या बिजनेसेस नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपकी टारगेट ऑडियंस वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रोल्स रॉयस और मर्सिडीज, ये दोनों कंपनीज एक वेल डिफाइंड कस्टमर बेस को टारगेट करती है जो लग्जरी कार लेना पसंद करता है। बट अगर बात करें मारुति सुजुकी या फिर ह्युंडई की, तो इनका कस्टमर बेस वो है जो अफोर्डेबल कार्स लेना पसंद करता है। तो अगर आप भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हैं, तो किसी ऐसे निश पर कंसंट्रेट करें जिसको दूसरे बिजनेसेस इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसमें आप कंटेंट क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लॉग्स, वीडियोस या फिर ऑडियो की फॉर्म में, जिससे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स पॉजिटिव एक्शन ले सके। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आप सेलिंग पर फोकस करे बिना कंटेंट क्रिएट करते हुए वैल्यूज डिलीवर करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स के माइंड में आपके ब्रांड का परसेप्शन बन जाता है और कंज्यूमर रिलेशनशिप बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है। इस स्ट्रेटजी से रिकॉल वैल्यू भी आप इंक्रीज कर सकते हैं कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करके। तो आपको कौन सा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप उसका कंटेंट क्रिएट करके ब्लॉग या फिर ब्लॉग के फॉर्म में प्रमोट कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हेल्प करती है डिफरेंट ब्रांड्स को एक राइट प्रोडक्ट राइट टाइम में सेल करने में। इसको डिजिटल मार्केटिंग में रीटारगेटिंग भी कहते हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आपने एज ए कंज्यूमर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन की होगी किसी भी प्रोडक्ट को देखने या फिर परचेज करने के लिए, बट अगर आपने कुछ भी परचेज किए बिना ही एप्लीकेशन या वेबसाइट बंद कर दी, उसके बाद आप किसी नई वेबसाइट पर गए, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको वही प्रोडक्ट उस न्यू वेबसाइट पर भी दिख रहा हो? अगर ऐसा हुआ है तो इसी को बोलते हैं रीमार्केटिंग। ये आप कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, जिसमें आपको पता होता है कि आपका पोटेंशियल कस्टमर क्या परचेज करना चाहता है, तो आप उसी प्रोडक्ट को फिर से दिखाकर कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ अल्फाबेट सी से शुरू होने वाली सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यहीं खत्म होंगी। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके बिजनेस की ग्रोथ में कुछ भी हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके बिजनेस कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी ये मार्केटिंग लेसन्स मिल सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मार्केटिंग वीडियोस मिलने वाली है आपको रेगुलर बेसिस पर। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो दिस इज रजत आदित्य फ्रॉम एजिलाइज साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग।